तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है सॉल्यूशन, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको टॉपिक 1 जो है कंसंट्रेशन टर्म एंड हेनरी लॉ, इससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपकी टॉपिक 2 के लिए वीडियो 2 आएगी जिसमें आप रोल टू लॉ से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एंड टॉपिक 3 आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसके लिए भी हम पीवाई की उसकी वीडियो लाएंगे, जिससे कि आपके तीनों वीडियो में इस चैप्टर के सारे पी वाइज के टॉपिक वाइज कवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर जो है ये सब आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इसे करने के बाद आपको कुछ और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप अच्छा स्कोर आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है आपका, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। तो हमें रीजन बताना है कि जो आपके पानी में रहने वाले एनिमल्स है ना एक्वाटिक, वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं वार्म वाटर के मुकाबले। तो देखिए हम आपको समझाते हैं, देखिए सॉल्यूशन, आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर में जो है डिजोल्व स्टेट में होती है। तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन डिजोल्व स्टेट इन वाटर। आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो डिजोल्व स्टेट में होती है वाटर में। देखिए अब आप और हम सबको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हम इनहेल करते हैं, हमारे जो आसपास वातावरण है ठीक है उसमें आपके ऑक्सीजन है, गैसेस हैं, तो आप वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं एक्वाटिक एनिमल्स, वो कैसे सांस लेंगे, वहाँ तो अंदर तो आपका इतनी एयर नहीं है, तो जो ऑक्सीजन आपकी वाटर के अंदर डिजोल्व होती है थोड़ी बहुत, ठीक है बात समझिए, जो आपकी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन वाटर के अंदर पहले से डिजोल्व है वे उसे एब्जॉर्ब करके उससे ब्रीदिंग कर दें, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये आपका वाटर है, ठीक है, अब देखिए हम आपको दो एग्जांपल लेकर समझाते हैं। ये आपका टेम्परेचर है, यहाँ पर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आपका 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हम एयर के मॉलिक्यूल्स को ग्रीन कलर से बना देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। देखिए मान लीजिए इस टाइम जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अपने वाटर का, तो उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व है, ठीक है। लेकिन जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या हुआ, 1 2 3 4, केवल 4 मॉलिक्यूल्स बचे, 2 आपके निकल गए। जैसा आप देखिए जब आप पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं, आपके बहुत सारे बबल्स निकलते हैं। बबल्स क्या होते हैं, जो गैसेस या ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व है वाटर में वो निकलती हैं आपकी, ठीक है, क्योंकि जब पानी ठंडा था आपका तो उसमें वो डिजोल्व थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर जब आप उसे हीट देते हैं ना बॉईल करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, उसकी उसके अंदर से ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, गैसेस निकलती हैं। ये हमने आपको घर से एग्जांपल दिया, घर से रिलेटेड, जब आप कोल्ड वाटर को हीट देते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं। बबल्स क्या होते हैं, वो गैस होती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन होती है जो उसमें पहले से डिजोल्व थी। तो आपको यहाँ से ये समझ में आती है बात कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम हो जाती है, यानी पहले सोल्यूबल ज़्यादा थी, कम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी कम हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही ये जो कोल्ड वाटर है एंड ये वार्म वाटर है, तो मान लीजिए आपको ब्रीथिंग करने के लिए सांस लेनी है, आपको जहाँ पर ज़्यादा मिलेगी ऑक्सीजन वहीं तो आप अच्छा महसूस करेंगे, तो इसलिए कोल्ड वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व है, तो इसलिए यहाँ पर वे ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं इसके मुकाबले, ठीक है, वार्म वाटर के। ये आपका वार्म वाटर है एंड ये आपका कोल्ड वाटर है, ठीक है। कोल्ड वाटर में अच्छा, क्योंकि यहाँ पर खूब ऑक्सीजन मिल रही है उन्हें लेने को, इसमें खूब डिसॉल्व है कोल्ड वाटर में, हॉट वाटर में कम है, तो इसलिए, या वार्म वाटर में आपकी कम ऑक्सीजन डिसॉल्व है, तो इसलिए इन्हें घुटन होती है, इसलिए यहाँ पर अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो इसे हम लिख देते हैं, किस तरीके से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, बहन temperature increases then solubility
ऑफ अ गैस इज डिक्रीजेस इन लिक्विड। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ आपको क्या बताता, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो आपकी डिक्रीज करती है। ठीक है, हमने आपको एग्जांपल लेकर भी बता दिया अपने घर का, ठीक है, कि आपके घर में ऐसा होता है। तो ये आपका हेनरी लॉ बताता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड में गैस की सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ हम लिख देंगे, दिस रीजन मेक्स एक्वाटिक एनिमल्स मोर कंफर्टेबल इन बम इन कोल्ड वाटर। दिस रीजन मेक्स एक्वाटिक एनिमल्स मोर कंफर्टेबल इन बम वाटर। तो इसी कारण की वजह से आपके जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं कोल्ड वाटर में। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन, आपको बताना कि मोल फ्रैक्शन क्या है। ये क्वेश्चन आपका 2012 में एंड आपका 2012 दिल्ली में, यानी कि कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या है हमें ये बताना। तो देखिए हम आपको पहले समझाते थे फिर हम आपको डेफिनेशन बता देंगे। तो देखिए मान लीजिए ये आपका ए है एंड ये आपका बी है, दो कंटेनर है आपके, इसमें दो कंपोनेंट है, जब आपने इन्हें मिक्स किया तो आपका बना ए प्लस में बी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए ए के इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने, मान लीजिए आप एन ऑफ ए, इसमें मान लीजिए या ऐसा कह लीजिए इसके 5 मोल्स हैं, इसके मान लीजिए 10 मोल्स हैं, जब आपने ए प्लस बी बनाया तो कितने हो गए आपके 15 मोल्स हो गए टोटल। देखिए ए है एक कंटेनर में, उसमें के 5 मोल्स हैं, बी के 10 मोल्स हैं, ए प्लस बी बनाया तो 15 मोल्स हो गए। अब देखिए तो जब आप ए का मोल फ्रैक्शन निकालने को आपको कोई बोलेगा तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी कि 5, इसे हम लिखते हैं 5 अपॉन में टोटल मोल्स, टोटल कितने 10 प्लस 5 यानी 15। तो इस तरीके से आपका 1/3 क्या आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एज इट इज आप बी का भी निकाल लेंगे, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल्स, तो आ गया आपका 2/3। तो दोस्तों इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है सॉरी, तो देखिए मोल फ्रैक्शन की हमने आपको समझा तो दिया कि देखिए एक सॉल्यूशन है उसमें दो चीज़ों के मोल्स हैं, ए के 5 हैं बी के 10 हैं, तो ए का निकालना होगा तो ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, बी का निकालना होगा तो बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कॉम्पोनेंट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉम्पोनेंट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉम्पोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका मोल फ्रैक्शन क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कॉम्पोनेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉम्पोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपका एक कंटेनर है, इसमें आपका सॉल्यूशन है जिसमें ए प्लस बी से ये बना है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मान लीजिए एन ए, देखिए इसमें ए के मोल्स कितने हैं एन ए, बी के मोल्स कितने हैं एन बी, यानी कि 5 मोल्स या ऐसा कुछ भी हो सकता है, हम एन लेट कर रहे हैं ऐसी बी के। तो देखिए जब हम एक्स का ए का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन तो वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप बी का भी निकालेंगे। एक्स ऑफ बी इक्वल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एंड इसकी आपकी एक और खास बहुत बात होती है जो आपको कुछ बच्चे नहीं जान पाते। देखिए जब भी आप एक्स ए प्लस एक्स बी करेंगे तो क्या आएगा आपका, वन आएगा। जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल में आप एक्स ए प्लस एक्स बी कर लीजिए, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है आपका, वन होता है। ये आपकी प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करनी है, ठीक है, याद होनी चाहिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होती है। तो देखिए यहाँ से आप कर लीजिए वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फाइव, क्योंकि एक्स ऑफ ए आया वन अपॉन थ्री, ये आया टू अपॉन थ्री, टू अपॉन में थ्री इक्वल टू में आना चाहिए वन। तो देखिए एलसीएम हो गया आपका थ्री एंड टू प्लस वन थ्री इक्वल में वन, तो देखिए वन आ गया आपका। देखिए हम आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि आपने जो निकाले थे ए का मोल फ्रैक्शन इतना बी का इतना, दोनों को ऐड कर कर आपका वन आता है। तो वन अपॉन थ्री ए का प्लस वन टू अपॉन थ्री बी का, इन्हें ऐड करा तो वन आया। तो हमने आपको ये एग्जाम्पल से भी समझा दिया, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, एक्स ए प्लस में एक्स बी इक्वल में वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका क्या होता है वन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें हमें मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन देनी थी और हमने आपको डीपली समझा भी दिया, ठीक है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर थ्री को करते हैं आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में आपका क्या गिवन है, एक्सप्लेन द हेनरी लॉ अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड। देखिए दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं सब बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब इसे बदल कर लिख देगा, बस क्वेश्चन यही होगा, एक्सप्लेन द हेनरी लॉ, खाली इतना लिख देगा या इस तरीके से लिख देगा। एंड या आपका ऐसा बोल सकता है एक्सप्लेन द हेनरी लॉ एंड राइट टू एप्लीकेशन ऑफ इट, ठीक है, तो बस बदल के आ सकते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होगी, क्वेश्चन वही होगा, ठीक है। तो देखिए एक्सप्लेन द हेनरी लॉ, हेनरी लॉ बताना है जो हमें बताता है गैस इन लिक्विड यानी इसकी सोलिबिलिटी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो हम आपको समझा देते हैं हेनरी लॉ आपको क्या बताता है, हेनरी लॉ हमें ये बताता है। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल से पहले आपको समझा देते हैं। मान लीजिए ये आपके टू कंटेनर्स हैं, यहाँ तक आपका इसमें ये आपका लिक्विड है, ठीक है, एंड ये आपकी पिस्टन है, एंड इसमें आपके जो एयर्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से, हम इसे दूसरे कलर की पेन से बना देते हैं, ये आपकी सरफेस है लिक्विड की, ठीक है, ये ऊपर आपका बैग खाली है। अब देखिए अब आपका ये सेकंड कंटेनर है, इसमें भी हमने ये पिस्टन लगा दी, ठीक है, ये वाली यहाँ पर भी है। अब देखिए इसमें लिक्विड आपका यहाँ तक है और गैस के मॉलिक्यूल्स आपके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बना लीजिए। अब देखिए तो हेनरी लॉ हमें ये बताता है कि मान लीजिए पहले ये लिक्विड यहाँ तक था एंड थोड़ी गैस ऊपर थी, कुछ इसमें डिजोल्व थी, तो जब आपने पिस्टन से इस पर प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, ये पिस्टन आपने दबा दी, इस कंडीशन में लिया इसे, तो देखिए पिस्टन नीचे आ गई, तो जो ये गैस है ये काय में डिजोल्व हो जाएगी आपकी लिक्विड में। तो देखिए यहाँ तक आपका लिक्विड है, उसमें सारी गैस डिजोल्व हो चुकी है, सेवन मॉलिक्यूल्स थे, इसमें फोर पहले आपके डिजोल्व थे, तीन आपके ऊपर थे, ठीक है, यहाँ पर आपके सेवन के सेवन हो गए जब आपने पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा सोलिबिलिटी होगी गैस की लिक्विड में। तो यही है हमारा हेनरी लॉ। तो हम इसे डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं, हेनरी लॉ It says that the solubility of a gas in liquid is directly proportional to its पार्सल वेपर प्रेशर। देखिए मतलब ये है कि हेनरी लॉ आपका क्या बताता है, वो बताता है कि सोलिबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके वेपर प्रेशर, यानी कि वो गैस जितना ज़्यादा उस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगी लिक्विड के ऊपर उतनी ज़्यादा उसकी सोलिबिलिटी होगी। क्योंकि मान लीजिए ये गैस है आपकी, ये मॉलिक्यूल्स इधर प्रेस लगा रहे हैं, इधर भी लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, तो ऊपर तो जा नहीं सकते, पिस्टन है, इधर भी आपका कंटेनर की बॉल है, इधर भी कंटेनर की बॉल है, तो जब ज़्यादा प्रेशर लगाएगी तो जाएंगे कहाँ, लिक्विड में जाएंगे, तो इसलिए जितना ज़्यादा प्रेशर वो एग्जर्ट करेगी गैस उतनी ज़्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी होगी, ठीक है, लिक्विड में सोल्यूबल होगी। तो आपका ये है आपका हेनरी लॉ। इसका फॉर्मूला आपका क्या होता, देखिए सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। एंड सोल्यूबिलिटी को आप कैसे मेजर करते हैं गैस की, हम उसे करते हैं मोल फ्रैक्शन से। तो सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, एक्स से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, ठीक है, ये ऐसे लिख लीजिए। अब जब आपका सोल्यूबिलिटी कॉन्स्टेंट हटता तो यह आता आपका पी इक्वल टू में के एच इंटू में एक्स, ठीक है दोस्तों, सोलिबिलिटी कॉन्स्टेंट आपके हटके आपका के एच आ जाता है, ये क्या है आपका हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट, ये आपका हर गैस के लिए अलग होता है। तो देखिए के एच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, जैसे हम आपको एग्जांपल देके बता दें, देखिए मान लीजिए ये आपकी गैस है ए, इसका के एच की वैल्यू है 3, तो बी की भी आपकी 3 नहीं होगी, उसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है 3.2 या 4 मान लीजिए, ठीक है, तो यानी कि के एच आपका हर गैस का क्या होता, डिफरेंट होता, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन, इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों देखिए इसमें क्या बोला गया, स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैलिटी एज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखिए मोलैलिटी एंड मोलैलिटी आपकी दोनों ही क्या है, यूनिट है काय की, कंसंट्रेशन की, ठीक है। तो देखिए इन दोनों यूनिट्स में आपका मोलैलिटी का क्या एडवांटेज है मोलैलिटी के ऊपर, ठीक है, तो हमें ये बताना। तो देखिए हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं, वो इसमें लिख दी हमने पहले से। तो देखिए मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, मोलैलिटी जो होती है आपकी वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, लेकिन मोलैलिटी डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, लेकिन आपकी मोलैलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज हो जाती है। तो कैसे होती है वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए मोलैलिटी क्या होता है आपका, पहले हम आपको ये बताते हैं, मोलैलिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या होता है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होती है आपकी मोलैलिटी। लेकिन आपकी मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी को आप कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो ये होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपको लीटर में लेना होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपका, अब हम आपको समझा देते हैं, मान लीजिए एक कंटेनर है, यानी आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ तक उसकी वैल्यूज लिखी गई हैं, 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है, 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है। अब देखिए ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, यहाँ तक। तो देखिए मान लीजिए उसमें आपका यहाँ तक है लिक्विड भरा हुआ है, एंड उसमें आपका सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं। देखिए यहाँ तक आपका लिक्विड है, उसमें सॉल्यूट भी पड़ा है। तो जब आपकी इसकी मोलैलिटी निकालेंगे तो क्या होगा आपका, मान लीजिए आपका 1 लीटर का वेट कितना है, 1 kg है, तो आपकी मोलैलिटी जो होगी वो होगी आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मान लीजिए लैड कर लीजिए इसमें 5 मोल्स है, तो 5 upon में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो कितना है आपका 1 kg, ठीक है। तो आपकी जो मोलैलिटी आ गई वो आ गई आपकी 5, लेकिन जब आप इसकी मोलैलिटी फाइंड करेंगे तो वो आएगी आपकी, देखिए कितने मोल्स हैं, 5 upon में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है, 1 लीटर, तो 1 लीटर तो भी आपकी आ गई 5, लेकिन जब आपने इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, मान लीजिए टेम्परेचर आपने यहाँ पर मान लीजिए 10 degree था, आपने 20 degree पर पहुँचा दिया, तो देखिए ये जो आपका 1 लीटर वाला यहाँ पर साइन था ना, एंड ये आपका 2 लीटर है यहाँ तक,
तो ये आपका लिक्विड एक्सपेंड कर जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के कारण, ये आपका करीब 1.5 लीटर हो जाएगा। आप ठीक है, ये मान लीजिए एक मेजर का करने का वो है, यहाँ तक इसमें लेबल लिखा हुआ 1 लीटर, यहाँ तक 2 लीटर, तो जब आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये एक्सपेंड कर कर आपका करीब 1.5 पर पहुँच गया। तो मोलैलिटी तो अब भी वही रही, मोल्स एंड वेट तो आपका इतना रहा 1, तो आपकी मोलैलिटी तो 5 ही रही अब भी, लेकिन आपकी मोलैलिटी चेंज हो गई। मोलैलिटी क्या हो गई आपकी, 5/1 में वॉल्यूम आपका 1.5 हो गया, 1.5। तो आपकी मोलैलिटी देखिए 1/1 ये हो गया आपका, ये आ जाएगा आप जब इसे डिवाइड करेंगे 10/3। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से जो आपकी मोलैलिटी है वो चेंज नहीं होती, लेकिन मोलैलिटी चेंज हो जाती है क्योंकि उसमें वॉल्यूम लेना होता, इसमें आपका वेट लेना होता, इसलिए चेंज नहीं होती। तो मोलैलिटी आपकी डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपका लिक्विड एक्सपेंड कर अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता, तो आपकी मोलैलिटी कम हो जाती है। तो देखिए मोलैलिटी पहले 5 थी, फिर अब आपकी 10/3 यानी अप्रोक्सीमेटली 3.5 आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आपकी मोलैलिटी डिक्रीज होती है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने आपको एक क्वेश्चन समझाया। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन 5 में हमें क्या गिवन है, कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 mm of HG। देखिए हमें सोलिबिलिटी फाइंड करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के अंदर इतने टेम्परेचर पर, ठीक है, एंड आपका प्रेशर ये गिवन है, और देखिए KH की जो वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है वो आपको गिवन है, या आपको एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में भी गिवन होगी, इसकी आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब आपका सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाला केस है, तो आपका कौन सा लो लगेगा, हेनरी लो, हेनरी लो। तो ये आपका क्या कहता है, ये आपका कहता है पी इक्वल टू में KH इंटू में X, जहाँ पर आपका P क्या है, पार्शल प्रेशर ऑफ गैस वो आपका गिवन है, KH क्या है वो आपका गिवन है, X क्या सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये आपको फाइंड करना। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रेशर आपका कितना गिवन है 760 इक्वल टू में KH की वैल्यू आपको क्या गिवन है 1.25 इंटू में 10^6 इंटू में आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, ये सोलिबिलिटी कह लीजिए। अब देखिए दोनों की यूनिट, इसकी यूनिट एंड इसकी यूनिट आपकी सेम है, इसलिए हमें कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ा। ठीक है, यूनिट डिफरेंट होती तो हम कन्वर्जन करते। अब देखिए ये इसे इधर ले आइए, 760 में 1.25 इंटू में 10^6 ये आपका आ गया। ठीक है, अब ये 10^ आप देखिए इसे आपका इधर 2 पॉइंट है, यानी इसकी 2 पावर कम हो जाएंगी, 760 में 125 इंटू में 10^4 आप जब ये पॉइंट हटाएंगे तो इसकी 2 पावर्स कम हो जाएंगी। ठीक है, अब इसे ऊपर ले जाइए, इसे आप इससे डिवाइड करिए, तो आपका जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6.08, एंड ये जब आपका ऊपर पहुंच गया तो ये आपका आएगा 10^-4। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ गई आपकी सोलिबिलिटी। तो इस तरीके से हमने आपको ये क्वेश्चन कराया। देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक लग रही थी, तो देखिए ये आपके जब 0.2 आप इधर लाएंगे तो आपको 2 पावर सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी, तो आपका 4 हो गया। जब आप इसे इससे डिवाइड करेंगे तो आपका यह आएगा, ये आपके ऊपर गई तो हो गया आपका 10^-4। तो इस तरीके से आपकी सोलिबिलिटी आ गई इस लिक्विड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के अंदर कितनी सोलिबिलिटी, तो आपकी आ गई। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका ऑल इंडिया 2020 में पूछा गया था, यानी सन 2020 में पूछा गया है, ऐसे ही इसी तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको गैस दूसरी दे देगा, KH की वैल्यू बदल देगा एंड आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाला केस हो तो आपको हेनरी लॉ यूज़ करना। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों इसमें हमें वो लगाया डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, हमें डिफाइन करना है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है और मोलैलिटी क्या होता। तो दोस्तों मोल फ्रैक्शन तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। ठीक है, तो हम इसे दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी। तो देखिए मोल फ्रैक्शन तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बता दिया है कि
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बी का निकालना है तो बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। तो देखिए हम मान लीजिए, अब आपको मोलैलिटी समझाएं या चलो मोल फ्रैक्शन हम एक बार बता ही देते हैं। आपका ये कंटेनर है, इसमें आपका सॉल्यूशन है ए प्लस बी का। आपको मोल फ्रैक्शन ए का राइट करना, तो आप लिखेंगे मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी ओवर जिसका निकालना है ऊपर उसके नंबर ऑफ मोल्स एंड नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एंड आपका बी का मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने आपको क्वेश्चन टू में लिखवा दी है, तो आइए हम मोलैलिटी समझते क्या होता। तो देखिए दोस्तों, मोलैलिटी एक आपकी कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो देखिए मोलैलिटी आपका क्या है, हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं मोलैलिटी, ठीक है। तो देखिए मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम लिखते हैं मोलैलिटी इज डिफाइन एज द इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, ठीक है दोस्तों। देखिए मोलैलिटी आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम आपको समझा देते हैं अभी। देखिए इसका फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, एंड डिवाइड में आपका कितना होता मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। हम आपको ये एग्जांपल लेकर समझाते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका एक कंटेनर है, इसमें मान लीजिए आपका 1 kg वाटर है एंड आपके मान लीजिए 5 moles ऑफ NaCl डला हुआ है इसमें, 5 moles NaCl, ठीक है। तो हम इसकी मोलैलिटी जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने मोल्स हैं, 5 है, बोल एन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है आपका सॉल्वेंट केजी में 1, तो मोलैलिटी कितनी आ गई आपकी 5, ठीक है। यानी कि मोलैलिटी 5 का मतलब है कि आपके 1 kg सॉल्वेंट में आपके 5 moles ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए इसमें हमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% वेट बाय वेट परसेंटेज सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर ml, ठीक है। एंड मोलर मास भी आपको गिवन है H2SO4 का 98। तो देखिए दोस्तों आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है इस सॉल्यूशन की जिसमें 9.8 वेट बाय वेट परसेंटेज है सॉल्यूशन की। तो देखिए सॉल्यूशन, अब देखिए 9.8 वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का मतलब है कि आपका 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है कितने में, आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है दोस्तों। देखिए 9.8 वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब है कि आपका जो सॉल्यूट है वो 9.8 ग्राम है एंड टोटल सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल गया, मास मिल गया सॉल्यूट का एंड मोलर मास आपको गिवन है। तो आप यहाँ से मोल्स निकाल लीजिए, पहले मोल्स इक्वल टू में आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला मोल्स का। तो गिवन मास कितना आपका 9.8 अपॉन में मोलर मास कितना इसका 98, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपका ये कितना आ गया, जब आप इससे इसे काट देंगे तो आपका आ जाएगा 0.1, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा इतने मोल्स हैं,
अब देखिए, अब मोलैरिटी की हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए वॉल्यूम तो हमारे पास गिवन है नहीं, बस हमें वेट पता है सॉल्यूशन का कितना है, आपका 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम है। तो देखिए हाँ, डेंसिटी गिवन है तो हमें बताएं, देखिए दोस्तों डेंसिटी इक्वल होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी आपको गिवन है तो देखिए डेंसिटी यहाँ पुट करिए फॉर्मूले में, यहाँ से आपका वॉल्यूम निकालेंगे तो डेंसिटी इधर आ जाएगा, वॉल्यूम उधर, तो वॉल्यूम इक्वल टू में मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना आपका टोटल 100, ठीक है 100 ग्राम है ना, यानी आपकी डेंसिटी कितनी है 1.02, ठीक है। अब ये आपकी देखिए डेंसिटी आपकी गिवन है ग्राम पर ml में, मोल इनवर्स ml इनवर्स, एंड आपका मास कितना है ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम आपका कैंसिल, ये ml उधर ऊपर गया तो ये हो गया आपका 100 अपॉन में 1.02 ml, ठीक है दोस्तों, इनवर्स ऊपर जाकर प्लस का हो गया। तो वॉल्यूम हमारा इतना आ गया, मोल्स इतने हैं, तो इसमें पुट कर दीजिए मोलैरिटी इक्वल टू में आपके मोल्स कितने हैं 0.1, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आप लीटर में लेते हैं दोस्तों, तो जब आप इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 100 अपॉन में 1.02 इंटू में 1000, ठीक है। अब आप यहां से क्या करिए, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करिए, ये आपका हो गया 1 अपॉन में 1.02, ठीक है, क्योंकि ये इधर आ गया एक डेसिमल, ठीक है। तो देखिए आपने मोल्स रख दिया अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आपका 1 अपॉन में 10.2, एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऊपर जाएगा, तो 0.1 इंटू में 10.2 अपॉन में 1, ठीक है दोस्तों। तो जब ये इधर जाएगा तो आपका एक डेसिमल और इधर आ जाएगा, तो 1.02 क्या आ गई आपकी मोलैरिटी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको ये क्वेश्चन समझाया, देखिए दोस्तों इसमें हमें स्टेप बाय चलना होता, मोलैरिटी हमें इसकी फाइंड करनी है, तो इसका वेट हमें गिवन है 9.8 ग्राम, वो दूसरी भाषा में लिखा गया जिससे कि बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, 9.8 वेट बाय वेट परसेंटेज लिखा गया, ठीक है। तो और सॉल्यूशन है हमारा स्ट्रेस ऑफ फोर्स का, ठीक है। तो देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है, डेंसिटी से हमने वॉल्यूम निकाल लिया, एंड मास से एंड मोलर मास से हमने मोल्स निकाल लिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, इसमें हमने पुट कर दिया तो आपकी आसानी से वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों हमने मोलैरिटी फाइंड करी, तो चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो आइए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। इसमें हमें क्या बोला गया, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में डिफरेंस बताना है। हाउ वी कैन चेंज मोलैरिटी वैल्यू इंटू मोलैरिटी वैल्यू, मोलैलिटी को कैसे मोलैरिटी में चेंज करते हैं ये भी पूछा गया, ठीक है। तो आइए पहले हम डिफरेंस बताते हैं इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो मोलैलिटी आपका क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलैलिटी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 kg में आपके कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, ये हम आपको कई क्वेश्चन बता भी चुके हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके 1 kg वाटर में आपके 2 moles ऑफ शुगर है, तो आपकी मोलैलिटी कितनी हो गई, 2 upon 1, यानी 2 आपकी मोलैलिटी हो गई, यानी कि 2 moles 1 kg वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है सॉल्यूट के। एंड इसका सेकंड जो पॉइंट है, इट इज डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, आपकी मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, लेकिन आपकी मोलैलिटी के देखिए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, देखिए ये क्या होता है मोलैरिटी आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी मान लीजिए आपका टोटल ये 1 लीटर का आपका सॉल्यूशन है, मान लीजिए 1 लीटर ये आपका एक कंटेनर में, इसके अंदर आपके 3 moles ऑफ NaCl है, 1, 2, 3 है ना, तो आपकी मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 3 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है 1 लीटर, तो आपकी मोलैलिटी 3 आ गई। लेकिन देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये कम होती है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वो कैसे, तो देखिए आपकी मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। देखिए ये आपका कोई कंटेनर है, इसमें इतना लिक्विड है, जब आप इसे हीट करेंगे ना, जैसे मान लीजिए जब ये हीट हो जाएगा तो आपका ये लिक्विड एक्सपेंड करेगा जब आप इसे हीट करेंगे। तो एक्सपेंड होने के कारण वॉल्यूम, पहले मान लीजिए 1 लीटर था, अब 1.5 लीटर हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा एक्सपेंड होने के कारण। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करते हैं हीट करने पर। तो जब वो एक्सपेंड हुए तो वॉल्यूम बढ़ा, एंड वॉल्यूम बढ़ा तो मोलैलिटी आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्वेश्चन बोला गया है, हाउ वी कैन चेंज मोलैलिटी वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू मोलैरिटी वैल्यू। मोलैलिटी को हम मोलैरिटी में कैसे चेंज करें, हमसे ये पूछा गया। तो देखिए आपका ये फॉर्मूला होता, हम आपको बता देते हैं, मोलैलिटी इक्वल में मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन में 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए हम आपको एक और बार ये बता दें क्या क्या है मोलैलिटी, ये क्या है आपका एम, ये आपकी मोलैरिटी। जब आपको मोलैलिटी को मोलैरिटी में चेंज करना तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डी क्या है आपका यहाँ पर, डेंसिटी, एंड आपका डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉरी ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है दोस्तों, तो जब आप मोलैरिटी से मोलैरिटी में जाएंगे तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैरिटी इंटू 1000, ये आपकी डेंसिटी है, ये आपका मोलैरिटी है फिर से, एंड ये आपका वेट ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने आपको ये क्वेश्चन पूरा समझाया। आई होप कि आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए आपका एक न्यूमेरिकल आ सकता है, उसमें आपको मोलैरिटी दे देगा एंड डेंसिटी दे देगा, वेट भी दे देगा सॉल्यूट का, एंड पूछेगा कि मोलैरिटी क्या है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों इसमें हमें क्या बोला गया, ये सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन वाटर लेवल्स एज 10% बाय वेट। ठीक है, फाइंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, हमें ये सॉल्यूशन की इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड उसकी मोलैलिटी फाइंड करनी, एंड मोलर मास में आपको ग्लूकोज का गिवन है। ठीक है, ये आपको कुछ क्वेश्चंस में गिवन होता है, कुछ में नहीं, लेकिन आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें प्रॉब्लम हो मोलर मास फाइंड करने में तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसे राइट करिए। आपको गिवन है 10% वेट बाय वेट, आपका ग्लूकोज जो है सॉल्यूशन में 10% वेट बाय वेट है, यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल वेट कितना है आपका सॉल्यूशन का 100 ग्राम, एंड उसमें आपका 10 ग्राम क्या है आपका है ग्लूकोज। ठीक है, तो यानी कि आपका सॉल्वेंट यानी वाटर क्या बचा, तो वाटर हो गया आपका 90 ग्राम, क्योंकि टोटल है 100 ग्राम, 10 ग्राम उसमें ग्लूकोज है, तो वाटर आपका 90 ग्राम एंड आपका ग्लूकोज आपका 10 ग्राम है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल है आपका 100 ग्राम। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, मोलैलिटी। तो दोस्तों मोलैलिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल में गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या है ग्लूकोज का, 10, मोलर मास कितना है इसका, 1/80। ठीक है, तो आपका ये मोल्स आ गए, आप इसे सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 1/18। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम आगे चलते हैं, या आप इसे यहाँ सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिए। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपके ये आ गए, अब आगे बढ़िए, अब आपको और क्या चाहिए मोलैलिटी में, आपको चाहिए वॉल्यूम नहीं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए मोलैलिटी का हम फॉर्मूला लिख दें, इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, देखिए सॉल्यूट के मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है दोस्तों, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, हमने मोल्स निकाल लिए, अब आपका क्या चाहिए, मास चाहिए हमें सॉल्वेंट का केजी में, तो आपको वो गिवन है ग्राम में, तो उसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपका हो जाएगा वाटर, देखिए 90 ग्राम है, इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए,
19/1000। ठीक है दोस्तों, इससे आपका ये ख़त्म। तो यहाँ आपका आ गया 9/100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, मोलैलिटी इक्वल आपके मोल्स कितने, 1/18/1 ये हो गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में आपका कितना आया 9/100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आपका ऊपर जाएगा एंड ये आपका यहाँ आएगा, तो देखिए ये हो गया आपका ऊपर 100/1, नीचे हो गया आपका 18/9। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये ऊपर 100 है, नीचे आपका 18/9 जब 162, तो आपका 100/18/9 है ना 162। एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपका आ जाएगा 0.61 मोलैल, मोलैलिटी की यूनिट मोल बोलते हैं ना, तो एम यहाँ एम लिख देंगे, स्मॉल एम, मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। देखिए जब आपने इसे डिवाइड करा तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे एम लिखते हैं क्योंकि मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने आपको फाइनल आंसर तक पहुँचाया। देखिए जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो आपको इन्फॉर्मेशन पहले नोट करनी है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछे गए हैं इसलिए हम आपको करा रहे हैं, एंड एक बार नहीं ये क्वेश्चन आपका 5-5, 6-6 बार पूछा गया, ठीक है, वो तो हम ये लिखते नहीं क्योंकि जगह कम है, ऐसे कितनी बार लिखेंगे कितने सालों में आया, तो देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख ली, फिर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, तो वो हमने निकाल लिया, 90 ग्राम था, इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करा तो आपका ये आ गया। तो इस तरीके से आपने जब इसे सॉल्व करा तो आपका ये आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें क्या गिवन है, स्टेट हेनरी लॉ, हमें हेनरी लॉ बताना, एंड मेंशन इज टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, उसकी दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताइए। तो दोस्तों पिछले कई क्वेश्चन में हम आपको हेनरी लॉ समझा चुके हैं, ठीक है, तो हमने डेफिनेशन देखी क्या है इसकी। हेनरी लॉ, इट स्टेट्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। देखिए हेनरी लॉ आपको क्या बताता है, ये बताता है कि कोई भी गैस है उसकी लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके प्रेशर के, ठीक है, यानी ये पी आपका पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर आपकी मोल फ्रैक्शन से मेजर करते हैं सॉल्युबिलिटी को, ठीक है, तो जब आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आपका इक्वल टू के एच आ जाता है, के एच क्या है आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। देखिए हम आपको समझा देते हैं, कंटेनर मान लीजिए ये गैस है आपकी, ये आपका इतना लिक्विड है इसमें, एंड ये आपके गैस के मोलिक्यूल्स हैं, कुछ ऊपर हैं कुछ अंदर हैं, तो जब इस एंड ये बिल्कुल क्लोज है मान लीजिए, तो जितना ज़्यादा ये गैस इस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगी, जितना ज़्यादा इधर 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 एग्जर्ट करेगी इसके कंटेनर की बॉल्स पे, तो बॉल्स से तो बाहर जा नहीं सकती, लेकिन जब इधर एग्जर्ट करेगी तो वो लिक्विड में डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए जो गैस जितना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगी, जिसका ज़्यादा जितना वेपर प्रेशर होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगी, सोल्यूबल होगी लिक्विड में, ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ हमसे पूछी गई है ना, दो एप्लीकेशन लिखनी है, तो क्या क्या है, टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बॉटल्स। तो देखिए जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स की आप बॉटल पीते हैं, या आपकी पेप्सी वगैरह सब होती हैं, या सोडा की बॉटल्स वाटर बॉटल्स, उन्हें हाई प्रेशर के अंदर पैक किया जाता है, क्योंकि देखिए प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा सोल्युबिलिटी होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व हो सके, इसलिए उसे बहुत हाई प्रेशर के अंदर पैक किया जाता है, प्रेशर हाई होगा तो आसानी से वो उसमें डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ बैंड्स और सिकनेस इन डीप सी डाइवर्स ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद लेस सोल्यूबल हीलियम गैस इज यूज एज ब्रीथिंग गैस। देखिए हम आपको इसका फंडा समझाते हैं, इसमें होता क्या, तो देखिए जब हमारे जो समुद्र में नीचे जाते हैं ना कुछ लोग तैरने के लिए, अंदर देखने के अंदर क्या है, खोज करने या कुछ साइंटिस्ट वगैरह, तो जब वो मान लीजिए ये आपका सरफेस लेवल है काय का आपके सी का, एंड ये आपके ऊपर लोग हैं, ठीक है, अब जब यहाँ पर वो खड़े हैं तो देखिए इस टाइम जो आपका ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैस है उसका नॉर्मल है प्रेशर यहाँ पर आपका कैसा है, नॉर्मल है,
लेकिन जब ये यहाँ पर ये गहरा ये समुद्र है आपका मान लीजिए, ठीक है, ये आपका सरफेस है समुद्र का, ये नीचे समुद्र, जब ये इसमें नीचे जाते जाएंगे तो जब मान लीजिए यहाँ पर आ गए, ठीक है, जब ये यहाँ पर आ गए तो अब क्या होगा, जो प्रेशर है गैस का वो बहुत बढ़ जाएगा, यहाँ पर आकर प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज होने के कारण आपकी जो नाइट्रोजन गैस होगी ना, उसमें जो आप ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जाएंगे उसमें नाइट्रोजन गैस भी शामिल होती है ऑक्सीजन के साथ थोड़ी बहुत, तो ऑक्सीजन के साथ साथ प्रेशर बढ़ने के कारण नाइट्रोजन भी आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन भी आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपको तो केवल ऑक्सीजन चाहिए थी तो आपको वो नुकसान देगी, तो वो क्या करती है आपके, देखिए एक बार और समझिए, जब आप ऊपर थे तो प्रेशर आपका नॉर्मल था ऑक्सीजन का, तो जितनी ऑक्सीजन आपके शरीर को चाहिए उतनी डिसॉल्व हो रही थी ब्लड में, लेकिन जब आप डीप सी में चले गए नीचे तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज होने के कारण आपके सिलेंडर में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, थोड़ी बहुत नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ होती है, ठीक है, तो नाइट्रोजन भी आपके ब्लड में डिसॉल्व हो गई, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत है, उसके डिसॉल्व होने से क्या होगा, जब आप ऊपर फिर से वापिस जाएंगे तो जो नाइट्रोजन डिसॉल्व है, अब ऊपर जाने पर फिर से प्रेशर नॉर्मल हो गया, नॉर्मल होने के कारण नाइट्रोजन अब बाहर निकलना चाहेगी, हाई प्रेशर में तो डिसॉल्व हो गई थी लेकिन अब ऊपर आ गए तो फिर से नॉर्मल हो गया, तो अब वो जैसे ही आपके शरीर से निकलना चाहेगी तो वो आपकी नसों में जो ब्लड के साथ इस टाइम घुली हुई है तो वो वहाँ पर बाहर निकलेगी ना, तो जैसे मान लीजिए ये आपकी एक नस है, तो जब वो यहाँ पर है मान लीजिए निकलना चाह रही, तो ऐसे आपके बैंड्स बना देगी छाले टाइप के, ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप हेनरी लॉ की मदद से समझते हैं कि ये छाले क्यों बनते हैं, ठीक है, उनके छाले बन जाते हैं, बैंड्स बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हीलियम गैस डालते हैं नाइट्रोजन की जगह, क्योंकि हीलियम आपकी लेस सोल्यूबल होती है, बहुत ही कम सोल्यूबल होती है, यानी नीचे जाकर प्रेशर इंक्रीज हो भी जाएगा ना तो ये इतनी सोल्यूबल नहीं होगी जितनी आपकी नाइट्रोजन हो जाती है, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा दोस्तों।